ये है कि भोजशाला मंदिर का जो गर्भगृह है, जहाँ पर विधर्मी जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की जिद करता है और उसकी जिद को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुओं पर लाठी चार्ज करके मुसलमानों को नमाज पढ़वाती है। क्या योजना है, क्या प्लानिंग है आपकी? क्या है, हमने 16 अक्टूबर को मंडी द्वीप में एक हिंदू महासभा के साथियों की बैठक की और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार, मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने लंबे समय तक चलने वाली कोई दूसरी सरकार नहीं है और भोजशाला इनका शुरू में एजेंडा था, तो हमने लगा कि इन्हें स्मरण दिलवाना चाहिए। 16 तारीख को हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन जारी करवाया और उस ज्ञापन में हमने लिखा कि भोजशाला को अब विधर्मियों से मुक्त होना चाहिए। अगर 14 जनवरी तक आप लोगों ने इसका निराकरण नहीं किया तो हम आंदोलन का शंखनाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 तारीख को इंदौर में एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने घोषणा की कि माँ बागेश्वरी की जो प्रतिमा है उसे ले आकर हम भोजशाला में स्थापित करेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक बयान था। महत्वपूर्ण मूर्ति की स्थापना नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि भोजशाला मंदिर का जो गर्भगृह है, जहाँ पर विधर्मी जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की जिद करता है और उसकी जिद को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुओं पर लाठी चार्ज करके मुसलमानों को नमाज पढ़वाती है, तो सबसे पहले तो हमारा गर्भगृह पवित्र होना चाहिए, उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अगर मंदिर का गर्भगृह बचा रहेगा, उसकी पवित्रता होगी, तब तो हम मूर्ति की स्थापना करेंगे। इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा है, धार के कलेक्टर को हमने अपने आयोजन की सूचना दे दी है, ESP को भी पत्र भेज दिया है और 14 तारीख को हम लोग धार में इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण एक संदेश गवर्नमेंट को भेजेंगे कि अब हिंदूवादी लोग जो हैं, जो जिंदा हिंदू हैं, जिनका स्वाभिमान बाकी है, जो देशभक्त हैं, जो उस नमाज के खिलाफ हैं और भोजशाला को मुक्त कराना चाहते हैं, वो अब उद्वेलित हो रहा है, इसलिए सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। 14 तारीख को तो हम शंखनाद कर रहे हैं और सरकार को अगर लगेगा कि सरकार टाइम चाह रही है, उसके पहले हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा, अगर लगेगा कि ये टाइम मांग रहे हैं और उनकी बात में कुछ यथार्थ है तो हम थोड़ा सा उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा 14 तारीख को हम आगे की रणनीति बनाएंगे कि अब हमें क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सरकार कभी भी किसी देवी देवता के मंदिर को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।